एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, यू नो, नेक्स्ट 24 आवर्स नहीं कहूँगी, बट नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम में, 7-10 दिनों में या उसके बाद भी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके इमीडिएट फ्यूचर में। ठीक है, अब इमीडिएट फ्यूचर आपके लिए आप जैसा समझना चाहो वैसा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे तभी से ये टाइम शुरू होगा, तभी से आपके लिए ये रेजोनेट करना चाहिए। बाकी ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना चाहिए। कोई भी चीज़ को यहाँ पर अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन और सब कुछ डिटेल्स वगैरह आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ फॉर दिस एनर्जी वी हैव द फर्स्ट 4 कार्ड्स, जो कि है फॉलो द लीड नंबर 10, वी हैव ड्राई डेजर्ट नंबर 31, वी हैव फील्ड ऑफ ड्रीम्स नंबर 21 एंड डिटेल्स 43। ओके, सो द एनर्जी फील्स इंटेंस, यू नो, एक इंटेंस एनर्जी है इस पूरे सेट ऑफ कार्ड्स में, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आप जो भी कर रहे हो इस कुछ आने वाले कुछ टाइम में, या अगर आपके दिमाग में पर्टिकुलरली कोई चीज़ है जो आप कर रहे हो, लाइक आप ने मे भी सोचा है कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, या आपने में भी सोचा है कि मैं अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दूंगा, या फैमिली लाइफ, या फिर आपका हेल्थ, या व्हाटएवर इट इज़। कोई भी पर्टिकुलर अगर ऐसा कुछ भी है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप इसमें एनर्जी डालना चाहते हो, तो आई कैन सी दैट आप बहुत इंटेंस तरीके से वो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें एकदम डूब गए हो। जो भी ये चीज़ है, आप उसमें ऑलमोस्ट डूब गए हो, आप ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस चीज़ में। आप पूरा दिन भर यही सोच रहे हो, दिन भर यही कर रहे हो, दिन भर इसी के बारे में चर्चा चल रहा है, या आप हर जगह पे इसके बारे में बात कर रहे हो। सो किसी चीज़ को लेके आप ऑब्सेसिवली यू नो काम कर रहे हो, ऑब्सेसिवली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। हर एक चीज़ को आप एकदम परफेक्ट करके ही छोड़ोगे, ऐसा आपने ठान लिया है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट इस कुछ टाइम में आपके आसपास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस तो होगा ही, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें अपने मेन टारगेट से। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है या एक ऐसा कुछ है, लाइक दिस कुड बी अ पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कोई किताब हो सकती है, ये कोई दोस्त हो सकता है आपका, कोई कुछ है, कोई है या कोई चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली या तो मोटिवेट कर रहा है, या फिर ये आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। एंड ये जो भी चीज़ है ये बहुत पॉजिटिव है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो जिसका आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा है, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सो मे बी कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, और आप उनसे सलाह ले रहे हो, आप उनसे चीज़ें यू नो जान रहे हो और ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे हो। मे बी कोई सोशल मीडिया पेज है, कोई अकाउंट है, कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत मोटिवेटिंग चीज़ें देखने को मिलता है, आप मे बी वहाँ से कुछ ज्ञान ले रहे हो, आप मे बी वहाँ से मोटिवेशन ले रहे हो। ये हो सकता है कि कोई फेमस पर्सन है जिनसे आप कुछ सीख रहे हो, या कोई किताब है जो आप पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो, एंड आप यू नो कुछ कर रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग जो जहाँ से आप पॉजिटिव नॉलेज या पॉजिटिव एडवाइस गैदर कर रहे हो, जिसके चलते कम टाइम में आपका प्रोडक्टिविटी, आपका एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो रहा है। ओके, ऑल्सो स्पिरिट आपको एक चीज़ बताना चाहेगी कि किसी चीज़ में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आप मे बी सोच रहे हो कि ये करने में मुझे ज़िंदगी भर का भी समय लगे, तो लगने दो, क्या है, नहीं, टाइम का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज टाइम आपके पास किसी एक चीज़ में ऐसा है, टाइम लिमिटेड है, तो उस टाइम के अंदर ही आपको जो करना है करना है। हो सकता है ये किसी टाइप का एग्ज़ाम है जो आप एक टाइम के बाद नहीं दे सकते, हो सकता है ये किसी
रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अगर आपने इसको ज़्यादा लाइक हल्के में लिया या आपके पर्सन ने इसे ज़्यादा हल्के में लिया तो एक टाइम के बाद इसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ये कोई कुछ भी एक्चुअली हो सकता है कि कोई हेल्थ इश्यू है, अगर टाइम से आपने इसका चेकअप नहीं किया तो बाद में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऑल्सो बहुत से न्यू आइडियाज़ को आप जन्म दे रहे हो, न्यू आइडियाज़, न्यू ऑल्सो न्यू एक्सपीरियंसेस, यू नो, सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस भी दिख रहे हैं कि आप चुप नहीं बैठे हो। आने वाले कुछ टाइम में आपके साइड से बहुत सारा एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ सीखने में जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, मूवमेंट लेके आ रहे हो, नई आइडियाज़ को जन्म दे रहे हो, नई चीज़ों को लेके चर्चा कर रहे हो, एंड ऑल्सो नए लोग भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बट कुछ नए लोग आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस होंगे, एंड ये जो लोग हैं ये आपको एक अलग लाइफस्टाइल देने वाले हैं। अब लाइफस्टाइल मतलब क्या? लाइफस्टाइल मतलब हो सकता है कि ये लोग आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, या ये लोग आपके साथ एक काइंड ऑफ इन लोगों के साथ आपका एक रूटीन बन जाएगा कि आप लोग साथ में खाने जाते हो कहीं पर, आप लोग साथ में ये बातें करते हो, आप लोग साथ में ये करते हो, वो करते हो। हो सकता है इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, हो सकता है इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर या इन अ रोमांटिक मैनर, बट कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ नए लोग आने वाले हैं, एंड चीज़ें आपके लाइफ में बदलने वाली हैं। आने वाला कुछ टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंटेंस होने वाला है, न्यूनेस होने वाली है वहाँ पर। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा लाइफ को एक्सप्लोर करने की, नई चीज़ें ट्राई आउट करने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को टाइम देने की, या वट एवर इट इज़, बट आपको एक जगह मिलेगा कि आप एक्सप्लोर कर सको। वही पुराना यू नो घिसा पिटा जिंदगी और वही चक्कर, लाइक सेम पैटर्न, सेम प्रॉब्लम, ये सब कुछ नहीं होगा। यू विल हैव द फ्रीडम कि आप अपना डिसीजन ले सके, आप अपना लाइफ खुद बना सके, या आप लाइफ को जिस तरह काइंड ऑफ बदलना चाहते हो आपको आपको वो मौका दिया जाएगा, आपको वो फ्रीडम दिया जाएगा कि आप वैसे बदले। सो इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली। ओके, let us see some channeled messages. So, अगर कोई भी मैसेज अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो आप पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, आप काइंड ऑफ इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम लेकर अपने मन में पूछ सकते हो। मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी, हो सकता है उसमें से आपके लिए कुछ मैसेजेस आ जाए, लेकिन चैनल्ड मैसेजेस यूजुअली बहुत ही डायरेक्ट होता है, सो ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा। ये पहले से मैं आपको कह रही हूँ, ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज कमिंग। अगर आपको टाइम चाहिए आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले है वी हैव मेडिटेशन। विद इन द नेक्स्ट 2 years, पैशन, सून, यूनियन, वाओ, एक्सप्रेस योर लव, ब्यूटिफुल एनर्जीज। सबसे पहला चीज, मुझे ये 2 years देख के क्यों मैरिज का कुछ याद आ रहा है, आई डोंट नो, somebody is getting married in the next 2 years, या अगर आपका ये सवाल है कि मैं अपनी सोलमेट में अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर से कब मिलूंगी और हमारी शादी कब होगी, सो मे बी इन द नेक्स्ट 2 years। सो अभी है 2024, सो 24-25 के एंड तक या 26 में चांसेस आर देयर, एंड अगर आप ये वीडियो 24 के बाद देख रहे हो तो आप वैसे अपना काउंटिंग कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 years। ओके, नाउ आई कैन टेल यू हियर दैट किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं तो
तो आपको ये चीज़ मिलेगा या इस चीज़ के साथ, इस इंसान के साथ आपका यूनियन डेफिनेटली होगा एंड बहुत जल्द होगा, बिकॉज आपने इस चीज़ को या इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो, एंड इट्स अ कन्फर्मेशन दैट ये चीज़ काम कर रहा है, ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, ये पर्सन आने वाले हैं या ये चीज़ आपको मिलने वाला है, बिकॉज यू रियली 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 मैनिफेस्टेड दिस. आप ग्रेटफुल हो, आप बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हो इसके लिए, या आप जो भी, आपको जो भी करना है आप कर रहे हो एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू. ठीक है, सो एक यूनियन, रिकन्सिलिएशन या किसी विश फुलफिलमेंट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 7-10 दिनों में. दूसरा है कि एक मैसेज आएगा या एक कॉल आएगा या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, मेल आएगा, समथिंग जो कि ऑफिशियल हो सकता है, जो कि फ्रेंड या किसी लव रिलेशन टाइप ऑफ भी हो सकता है, बट ये जो भी कम्युनिकेशन है, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. लाइक आपको लगेगा कि ये इतना अच्छा न्यूज़ है, ये इतना अच्छा एक चीज़ है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैटिस्फाइड. लाइक मुझे, लाइक लिटरली आपको मन करेगा कि आप यू नो चिल्ला चिल्ला कर सबसे बोले दैट आपको ये मिला है और यू आर इन दिस सिचुएशन एंड यू आर हैप्पी एंड दिस एंड दैट. सो आई कैन सी दैट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक गुड न्यूज़, एक रिकन्सिलिएशन, एक मैनिफेस्टेशन का पूरा होना या विश फुलफिलमेंट होना, एक अच्छा कुछ इवेंट होना लाइफ में, दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए अपकमिंग है. मैरिज के लिए मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट 2 ईयर्स फ्यूचर स्पाउस मैरिज और ये सब के बारे में जिन लोगों का भी सवाल था, येस इट कैन हैपन. और एक चीज़ यहाँ पर है दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें ओके लेट्स कट इट टू दिस, कि किसी को यहाँ पे लगता है कि वो इंसान बहुत अकेले है या उनको किसी चीज़ में हमेशा उनको हमेशा किसी का साथ चाहिए, लाइक अ फ्रेंड और समबडी, या रिसेंटली आपने किसी फ्रेंड को खोया है, मे बी आप लोगों की फ्रेंडशिप टूट गई है, मे बी आपको पता चला है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते थे या समथिंग समथिंग कुछ हुआ है एंड मे बी यू हैव लॉस्ट अ फ्रेंड एंड आपको लग रहा है कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ एंड अब क्या होगा ये वो. तो यूनिवर्स इज़ लाइक यू आर नॉट अलोन, क्योंकि एक तो आपने जिसे खोया है दैट पर्सन ऑलरेडी लाइक वो आपके अपने थे ही नहीं. ठीक है, दूसरा चीज़ ये है दैट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, आई रियली नीड समबडी, आई वॉन्ट समबडी जिससे मैं बात करूँ, जो मेरे साथ रहे, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप हमेशा ऐसे किसी को अट्रैक्ट करेंगे जो इमोशनली अनअवेलेबल होंगे या जो ऐसे ही होंगे टेम्पररी टाइप्स, यू नो. तो आपको इस एनर्जी से ये सोचना ही नहीं है कि मुझे ज़रूरत है, ये है वो है. तीसरा चीज़ ये है दैट अगर आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो आप सच में लोनली नहीं हो. ये आपका भ्रम है जो आपको ये कहता है कि आप अकेले हैं, आपको किसी का सहारा चाहिए, आपको किसी का कोई चाहिए जो आपकी बात सुने, जो आपका साथ दे, वो सब ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते. अगर आप सच में देखें, अगर आप सच में सोचें, यू नो, गो डीप विदिन, बी इन दैट हर्मिट जोन, आपका डिज़ायर हो रहा है तो वो अलग बात है, बट ये आपका नीड नहीं है. ये चीज़ को समझिए, डिज़ायर और नीड अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रूरत और इच्छा सेम नहीं है. अगर आपका डिज़ायर है कि आपको मन है तो आप उस हिसाब से आपके लिए कोई भी फ्रेंड या पार्टनर आप ढूंढ सकते हैं, बट विद अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड. ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए, इसके बिना कैसे होगा, मैं अकेला हूँ, ये हूँ. तो ऑफकोर्स आप ऐसे किसी को अट्रैक्ट करोगे जो सही नहीं होंगे आपके लिए. सो ये चीज़ समझ के फिर जो करना है कीजिए, एंड देन यू विल सी गुड रिजल्ट्स. ठीक है, सो या बेसिकली दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू गाइज. आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने ये अभी तक, आप हो यहाँ पर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.